नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल कलाम स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे RAS RTS का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 में, उस मेंस एग्ज़ाम का संपूर्ण पेपर हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखते रहें, तो नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों, इसके जो तीन पेपर मेंस के पहले होते हैं वो हमने अपलोड कर दिए हैं, यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक दोस्तों आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो वहाँ पर जाकर आप वो देख सकते हैं। अब ये चौथा जो मेंस का पेपर है इसमें हिंदी और इंग्लिश आता है, ये पेपर हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का निशान है, उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना तुरंत वीडियो डालते ही आप तक पहुँच सके। दोस्तों, आगे हम जितने भी आर एस के पुराने पेपर हैं वो सारे पेपर हम अपलोड करेंगे। 2013 में आर एस हुआ हो, चाहे 2016 का आर एस हुआ हो, या उससे पहले जो भी हुआ है, सारे पेपर हम यूँ ही अपलोड करते रहेंगे। तो आप वीडियो को शेयर करते रहें। अब देखते हैं दोस्तों, पेपर 4 जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश। इसमें देखते हैं टोटल 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के टोटल 66 क्वेश्चन आते हैं। यूनिट फर्स्ट दोस्तों 120 नंबरों की होगी, तो यूनिट फर्स्ट में जो यूनिट फर्स्ट का जो पार्ट ए है सामान्य हिंदी का, वह दोस्तों 50 नंबर का होगा। तो पहले हम पार्ट ए डिस्कस करते हैं। यहाँ पर दिया गया सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। तो आप आराम से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, 2018 में जो 25-26 जून को जो आरएस मेंस का एग्जाम हुआ है, उसके भी पेपर हमने सारे दोनों अपलोड कर दिए हैं। यदि आपने नहीं देखे हैं तो 2018 के पेपर भी आप जाकर देखें। अब पेपर शुरू करते हैं दोस्तों, कि निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। तो ये चार शब्द हैं, इन चारों शब्दों की आपको संधि करनी है। मैं ओनली क्वेश्चन आपको बताऊंगा, आंसर दोस्तों आपको खुद ही करने होंगे, क्योंकि कोई क्वेश्चन मैं नहीं चाहता कि आपको गलत जानकारी दूं। इसलिए मैं आपको क्वेश्चन पेपर अपलोड करवा रहा हूं, ना कि आंसर। जो परीक्षा पेपर है उसका आंसर आपको अपलोड करवा रहा हूं मैं साथ में। तो मेंस में देखते हैं, चित प्लस मय, इसका जो भी होगा आप बताइए। गति प्लस अवरोध, प्र जोड़ आंगन, सुधा जोड़ अंशु। तो ये हिंदी का क्वेश्चन है, इसमें संधि आपको करनी है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों की संधि कीजिए। भुगु जोड़ ऊर्ध्व, अनु जोड़ छेद, अति जोड़ उत्तम एवं सह जोड़ उधर, इनका आपको संधि करना है। संधि करके यहाँ पर लिखना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। तो ऊपर संधि का आ गया, अब आ गया संधि विच्छेद। तो रामायण का, सहोदर का, लोकेतर एवं शूर्पणखा, इसका आपको संधि विच्छेद करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित उपसर्गों के संयोग से दो दो शब्द बनाइए। गैर एवं कु, ये दो उपसर्ग हैं, इनसे दो दो शब्द आपको बनाकर लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित शब्दों में से उपसर्ग अलग कीजिए। परीक्षा, उत्थान, प्रमाण एवं पर्याप्त, इनसे आपको उपसर्ग को अलग करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नांकित शब्द और प्रत्यय के योग से सही शब्द बनाइए। तो घूम जोड़ अक्कड़ घुमक्कड़, मृ जोड़ अन्न, पट जोड़ अनिय पठनीय, उत जोड़ नती है उन्नति, इनका आपको योग से सही शब्द बनता है वह आपको करना है। दोस्तों, आंसर मैं आपको इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि मैं नहीं चाहता कि मैं आपको कोई गलत जानकारी दूं, जितना मुझे पता है उतना ही मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ। आंसर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं या नीचे कमेंट करके आप हमें भी भेज सकते हैं। निम्नांकित शब्दों में से प्रत्यय को अलग कीजिए। तो प्रत्यय क्या होगा दोस्तों, इसको अलग करना है। दिखावा, कायिक, औदार्य एवं मित्रता, इन चारों का आपको प्रत्यय अलग करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित शब्दयुग्म का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। तो अजर एवं अजीर का अर्थ भेद स्पष्ट करना है, रित और ऋतु का। नेक्स्ट है, निम्नांकित शब्दयुग्म का अर्थ भेद स्पष्ट कीजिए। खर व खरा का, देव एवं देव का। अगला है, 10 नंबर का क्वेश्चन है, यह देखते हैं। यह दोस्तों, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए एक सार्थक शब्द लिखिए। यह है उत्तर और पूर्व के बीच की दिशा के लिए सार्वतक शब्द जो होगा वह आपको लिखना है, वन वर्ड। दूसरा है, वह जमीन जिसमें अच्छी पैदावार हो, उपजाऊ, उसके लिए आपको सार्थक शब्द लिखना है, उपजाऊ होगा मेरे हिसाब से, बाकी आप देख लेना। नेक्स्ट है, निम्नांकित वाक्यांशों के लिए सार्थक शब्द लिखिए। जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु, सप्ताह सप्ताह में आने वाला, हर सप्ताह सप्ताह में आने वाला साप्तिक होगा या कुछ और होगा, आप बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। किसी और दूसरे से परामर्श लीजिए, ये इस जिले के लब्ध
प्रतिष्ठित व्यक्ति है, इनके आपको शुद्ध रूप दोनों के लिखने हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित वाक्यों के शुद्ध रूप लिखिए। यह है, आप मेरे ऊपर भरोसा कर सकते हैं, या वे अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो सब शब्दों के शुद्ध रूप लिखने हैं, वाक्यों के ऊपर पूछ लिए, अब शब्दों के लिखने हैं। तो शब्द हैं संग्रहित, निरोग, वापिस, मिष्ठान, इनके आपको शुद्ध रूप लिखने हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नांकित प्रत्येक अंश में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द में से छांटना है, एक इसमें से, एक इसमें से, चारों में से एक एक छांटना है। तो देखते हैं, श्रृंगार, चिन्ह, अनुग्रहित, दूसरा है आह्वान, त्यौहार, दुरावस्था, तीसरा है गत्यावरोध, प्रतिनिधि, विभीषण, चौथा है मौलिक, उज्ज्वल एवं व्यवहारिक। तो इन चारों में से आपको छांटना है। नेक्स्ट है, निम्नांकित मुहावरों का वाक्य में सार्थक प्रयोग कीजिए। तो मुहावरे हैं अकल का दुश्मन एवं आंखें चार होना, इनके आपको जो भी वाक्यों में सार्थक प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, ये दो दो नंबर के प्रश्न है सारे, निम्नांकित मुहावरों का वाक्यों के में सार्थक प्रयोग कीजिए। काट का उल्लू एवं जड़ जमाना, इनका वाक्यों में प्रयोग करना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित लोकोक्ति है, लोकोक्तियों का वाक्यों में सार्थक प्रयोग कीजिए। आगे कुआ, पीछे खाई, आधा तितर आधा बटेर, इनका दोस्तों प्रयोग करना है। अगला प्रश्न भी यही है कि कर ले सो काम और बजले सो राम, तबले की बला बंदर के सिर, ये लोकोक्ति हैं, इनका वाक्यों में सार्थक प्रयोग आपको करना है। दो दो नंबर के ये प्रश्न आ रहे हैं। अगला है दोस्तों, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों को समानार्थक हिंदी शब्द लिखिए। तो हिंदी शब्द इंग्लिश में आपको अकाउंटेबिलिटी दिया हुआ, दूसरा पहला दिया गया है कोरिजेंडियम, इसका आपको सार्थक शब्द लिखना है या इसका अर्थ आपको लिखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के समार्थक हिंदी शब्द लिखिए। तो क्या है, मिनट्स दूसरा और पहला इंटीग्रिटी पहला शब्द है, इसका आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों के चार चार पर्यायवाची आपको लिखने हैं। पहला है अश्व, दूसरा घर, तो इनके आपको चार चार शब्द जो पर्यायवाची शब्द हैं वह आपको लिखने हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित शब्दों के चार चार पर्यायवाची लिखिए। तो हंस और बादल, इनके चार चार पर्यायवाची आपको लिखने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो यह आविर्भाव एवं ईप्सित, इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। अगला क्वेश्चन भी यही है दोस्तों, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द आपको लिखने हैं। ये हैं पौरस्य एवं शौकीय, इनके आपको विलोम शब्द लिखने हैं। दोस्तों कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए तो वीडियो को प्यूज करके आप आराम से देख सकते हैं। अब दोस्तों पार्ट बी, यूनिट फर्स्ट का पार्ट बी है, यह भी 50 नंबर का है। ऊपर 25 क्वेश्चन है, वो दो नंबर के थे, 50 नंबर का यूनिट फर्स्ट हो गया, 50 नंबर का यूनिट सेकंड आ गया। इसमें देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित अवतरण का उच्च शीर्षक दीजिए तथा लगभग एक तिहाई शब्दों में इसका संक्षिप्तीकरण कीजिए। तो इसका संक्षिप्तीकरण आपको करना है। तो ये पूरा जो पद्यांश दिया गया है आराम से अपन पढ़ लेते हैं, उसके बाद में आपको इसका सारांश लिखना है। तो वीडियो को प्यूज करके आप आराम से भी पढ़ सकते हैं या इसको समझ लीजिए। तो पढ़ते हैं दोस्तों, जीवित रहना स्वयं एक कर्म है, जो जीवित है वह कर्म करेगा ही, कर्म रहित स्थिति मृत्यु है। महत्वपूर्ण बात तो यह है कि हर मनुष्य को अपने स्वभाव और योग्यता के अनुसार, अथवा यूं कहें कि सर्व स्वधर्मानुसार कर्म का चयन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। जो कर्म मनुष्य की योग्यता और स्वभाव के अनुकूल होगा वही उसके लिए शुभ होगा। दोस्तों उसी कर्म को पवित्र और निस्वार्थ भाव से करना, अपने साथ मित्रता निभाना है। जो अपने से मित्रता करता है वह दूसरों का भी प्रिय हो जाता है, और जो स्वयं से शत्रुता करता है वह शत्रुओं से दोस्तों गिर जाता है। बाह्य शत्रुओं की अपेक्षा आंतरिक शत्रु अधिक खतरनाक होते हैं। इनसे छुटकारा पाने के लिए और स्वतंत्रतापूर्वक सुखी जीवन बनाने के लिए कर्म की पहली समझ लेनी चाहिए। शत्रु दमन का नहीं अपितु आत्मसमन्वय का मार्ग अपनाना ही जीवन के लिए श्रेष्ठ सिद्ध हो सकता है। दोस्तों अपनी निजी मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अतिरिक्त दूसरों के सुख सुविधाओं का पूर्ण ध्यान रखते हुए जो भी कर्म किया जाएगा वह जीवन के श्रेष्ठतम विकास में अवश्य सहयोगी होगा, यही अध्यात्म का पथ है। तो ये पद्यांश है दोस्तों, इसका आपको संक्षिप्तीकरण आपको करना है, तो इसका उचित शीर्षक जो भी हो वो आपको देना है, तो ये इसमें आप दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है निम्नलिखित सूक्ति का आशय स्पष्ट करते हुए विस्तार से कीजिए। यह करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान,
आगे की लाइन रसरी आवत जावत ते शिल्प व्रत निशान। तो करत करत अभ्यास के जड़मती हो सुजान, इस सूक्ति का आपको अस्य लिखना है। और शब्द सीमा है लगभग 150 शब्दों में, तो 150 शब्दों में इसका लिखना है। 10 नंबर का ये क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर का जो क्वेश्चन है ये 10 नंबर का है, ये भी 150 शब्दों में लिखना है। ये दोस्तों पुलिस अधीक्षक अजमेर को एक पत्र लिखना है आपको, जिसमें जिले में बढ़ रहे अपराधों को नियंत्रण करने के अनुरोध हो। इस प्रकार आपको पुलिस अधीक्षक जो अजमेर है उसको आपको एक पत्र लिखना है। तो एक पत्र आपको यहाँ पर लिखना होता है। पत्र की पूरी दोस्तों जानकारी आपको हो तो ही लिखें। नेक्स्ट है, एक अर्धशासकीय पत्र का प्रारूप तैयार कीजिए, जिसमें किसी कुलपति विश्वविद्यालय के द्वारा इतिहास विषय के आचार्य को नवीन पाठ्यक्रम हेतु पुस्तक सूची तैयार करने हेतु आदेशित किया गया हो। ऐसा आपको 10 नंबर का प्रश्न है, ये इसको आपको पत्र तैयार करना है, शासकीय पत्र आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 5वां क्वेश्चन है दोस्तों, स्वयं को जिला शिक्षा अधिकारी एबस है मानते हुए अपने अधीनस्थ संस्थाओं के लिए आवश्यक लेखन तथा अन्य सामग्री की आपूर्ति हेतु एक निविदा का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए। ये प्रारूप प्रस्तुत आपको करना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन पार्ट सी आ गया दोस्तों। तो पार्ट सी 20 नंबर का होगा। तो इसमें दोस्तों 10 नंबर के 2 प्रश्न हैं। पहला है निबंध लिखना आपको, निबंध 100 से 150 शब्दों में होना चाहिए, यह 10 नंबर का होगा। तो निबंध है जनसंचार माध्यम और हिंदी दशा और दिशा, इस पर आपको एक निबंध लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की वर्तमान विदेश नीति, इस पर आपको निबंध लिखना है। ये 10 अंक का प्रश्न हो गया। ये दोस्तों हिंदी के जितने क्वेश्चन थे वो अपन ने कर लिए हैं। अब आ गया यूनिट सेकंड। तो यूनिट सेकंड में आ गया जनरल इंग्लिश। तो जनरल इंग्लिश का जो पेपर है वह मैं आपको बता रहा हूँ, वो भी आपको करना है। ये 80 नंबर का है। तो इसमें 20 नंबर का यूनिट पार्ट ए होता है। तो अब देखते हैं दोस्तों 1 से 10 नंबर तक जो प्रश्न है इनमें आइडेंटिफाई द एरर, एरर आपको छांटने हैं इफ़ एनी एंड रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंस। अब देखना दोस्तों, पहला जो सेंटेंस है ए वर्चुअस आर रिस्पेक्टेड बाई ऑल, इसमें जो एरर है वो आपको दिखना है। दूसरा है कैन आई हैव एनी मोर शुगर प्लीज, इसका आपको एरर छांट के इसको सही लिखना है। नेक्स्ट है वी वर नॉट इन्वाइटेड फॉर लंच, इसमें भी जो भी एरर है उसको छांट के आपको इसका सही आंसर लिखना है। अगला है राइट योर नेम इन द टॉप ऑफ द पेज, इसमें भी आपको लिखना है, एरर छांट के लिखना है। अगला जो क्वेश्चन है शी इज लर्निंग इंग्लिश फॉर 5 ईयर्स, नेक्स्ट है शी वॉज प्लेइंग द सितार वेन द बेल वॉज रिंगिंग, नेक्स्ट है वॉक फास्ट लेस्ट योर यू वुड मिस द ट्रेन, इसमें एरर छांट के आपको इसको सही लिखना है। अब ये 3 प्रश्न और बचे हैं एरर वाले, ये हैं शुड यू लाइक टी और कॉफी With what will you satisfied? She said me she did not like tea. तो इन 10 प्रश्न तक में आपको एरर छांट के आपको इसका आंसर दोबारा वाक्य सही करके लिखना था। अगला जो है दोस्तों ये 11 से 15 नंबर तक जो 5 क्वेश्चन है ये आपको चूज द करेक्ट वर्ड या करेक्ट फ्रेज आपको लिखना है। आगे फ्रेज या वर्ड दिया गया है, इनमें से जो सही है वो आपको नीचे लिखना है, सेंटेंस सही करके लिखना है। तो ये है दोस्तों द अपोजिट ऑफ द वर्ड अट्रैक्ट इज, अब आगे डिस्ट्रैक्ट एंड रिपिल, इनमें से आपको एक लिखना है। नेक्स्ट है द वर्ड डिलीशियस इज सिमिलर इन मीनिंग टू द वर्ड टेस्टी या फ्लेवर्ड, इनमें से जो भी फ्रेज आएगी वो आपको लिखनी है। नेक्स्ट है द एंटोनम ऑफ द वर्ल्ड विजडम इज फोली या एक्सपीरियंस, इनमें से आपको एक लिखना है। नेक्स्ट है इन द एंड ही मेड अप या मेड आउट हिज माइंड टू गो बाई ट्रेन, तो मेड अप और मेड आउट से आपको एक सही आंसर लिखना है। नेक्स्ट है टू बर्न द मिड नाइट ऑयल मीन्स दैट समवन स्टडीज एट नाइट विथ द हेल्प ऑफ एन ऑयल लैम्प वर्क्स लेट एट नाइट, तो लैम्प और वर्क्स में से आपको एक फ्रेज लिखना है। तो ये थे दोस्तों क्वेश्चन। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो 16 से 18 तक जो 3 क्वेश्चन है ये राइट वन वर्ड सब्सटेंस फॉर द ऑल फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो वन वर्ड आपको इसमें लिखने हैं। ये हैं ए वर्ड और स्टेटमेंट विच कैन बी इंटरप्रेटेड इन मोर देन
वन वे, इसका लिखना है। नेक्स्ट है समवन इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इसका वन वर्ड आपको लिखना है। ए वन वर्ड का एक क्वेश्चन और है, यह है इम्पॉसिबल और वेरी डिफिकल्ट टू बिलीव, इसका वन वर्ड आपको लिखना है। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड या फ्रेज, तो दो क्वेश्चन इसमें से कलेक्ट जो करेक्ट वर्ड या फ्रेज है वो आपको लिखनी है। तो ये है दोस्तों वी कॉम्प्लीमेंटेड या कॉम्प्लीमेंटेड द डांसर आफ्टर हर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, तो इन दोनों में से आपको लिखना है। कोई स्पेलिंग दोस्तों मेरा उच्चारण आपको गलत हो सकता है तो आप यूज करके वीडियो को आराम से देख सकते हैं। नेक्स्ट है आई मेट एन इमिएंट या इमिएंट प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश टूडे, तो इन दोनों में से आपको जो भी राइट होगा वह फ्रेज आपको लिखनी होती है। अब दोस्तों आ गया पार्ट बी, तो पार्ट बी में रीड द पैसिव गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो, तो ये पैसिव दिया गया है, इसके नीचे जो आंसर दिए हैं इसका आंसर आपको देना है। तो दो दो नंबर के पांच से दिए हुए हैं क्वेश्चन, वह आपको हल करने हैं। तो अब देखते हैं दोस्तों ये जो पैसेज है वो आपको वीडियो को प्यूज करके आप आराम से पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा, मेरे पढ़ने के बजाय ज़्यादा समय भी नहीं लगे, इसलिए वीडियो को प्यूज करके इसको आप आराम से धीरे धीरे पढ़ सकते हैं। धीरे धीरे मैं ऊपर कर रहा हूँ। तो वीडियो को दोस्तों आप इस पैसेज को पढ़ने के बाद में इनके इसके पांच क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर आपको देने हैं, तो ये पांचों क्वेश्चन भी आप आराम से कर लेना। देखते हैं मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, तो व्हाट्स फोर्स द राइटर इज टॉकिंग अबाउट, हाउ डज इट बाइंड थिंग्स एनिमेटेड, तो इसका दोस्तों आपको आंसर देना है उस पैसेज में से देख कर। नेक्स्ट है व्हाट अकॉर्डिंग टू द राइटर डज द नॉलेज ऑफ गॉड कंसिस्ट इन, इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट है वेन एंड हाउ वुड लाइफ बी वर्थ लिविंग, अगला है व्हाट वुड हैपन इफ लव वाज नॉट देयर, तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये पांच क्वेश्चनों के आंसर आपको पैसिव से देने हैं। तो गिव द मीनिंग ऑफ द वर्ल्ड थ्रिम्प एंड यूज इट इन ए सेंटेंस ऑफ योर ओन, अपने सेंटेंस में बनाकर इस वर्ड को आपको लिखना है। अब देखते हैं बी पार्ट, ये देखते हैं ट्रांसलेट द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंग्लिश, ये हिंदी में दिए गए इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो चार क्वेश्चन हैं ये दोस्तों, ये देखते हैं 26 से 30 पांच क्वेश्चन है। ये है दोस्तों कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यसूची सदस्यों को नहीं वितरित की गई है, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है सड़क के बीच खेलना बच्चों के लिए सुरक्षित नहीं है, इसका ट्रांसलेट इंग्लिश में करके लिखना है। अगला है ज्वालामुखी आग उगल रहा है, इसका ट्रांसलेट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है क्या तुम सब मुझसे सहमत हो, तो इसका भी ट्रांसलेट करके आपको लिखना है। नेक्स्ट है वह इतना उदास क्यों लग रहा है, तो इसको ट्रांसलेट करके इसको भी आपको नीचे लिखना है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आ गया राइट ए प्रिसिस ऑफ द फॉलोइंग पैसेज एंड गिव ए सुटेबल टाइटल, तो ये आपको पैसेज पढ़ के इसका सुटेबल आपको टाइटल एक देना है। तो 10 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको आप आराम से वीडियो को मैंने रोक रखा है या वीडियो को प्यूज करके आप इसको आराम से पढ़ लेना, फिर इसका आंसर आपको देना है, यहाँ पर प्यूज करके पढ़ लेना। अब नीचे आगे देखते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया दोस्तों पार्ट सी में आ गए अपन, पार्ट सी में 30 नंबर का है, 10 10 नंबर के तीन क्वेश्चन है। ये हैं दोस्तों राइट ए पैराग्राफ ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अप्रोक्सीमेटली 200 वर्ड, तो 200 शब्दों में लगभग इन तीनों में से एक पर आपको पैराग्राफ लिखना है। तो ये है दोस्तों पहला देखते हैं जनरेशन गैप, दूसरा है वुमन एम्पावरमेंट, तीसरा है इनक्रेडिबल इंडिया, इन तीनों में से जो भी आपको आता हो उसका आपको एक का 200 शब्दों में पैसेज पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट है एल्बोरेट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग थीम्स इन अप्रोक्सीमेटली 150 वर्ड, तो ये पहला है दोस्तों नो पेन नो गेन, सेल फोन इज मोर देन ए फोन, अनइजी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन, तो इन पर दोस्तों आपको लिखना है। अगला जो क्वेश्चन देखते हैं, अगला और जो अंतिम क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से ये देखते हैं, तो ये क्वेश्चन है दोस्तों इसमें है राइट ए लेटर टू द म्युनिसिपल कमिश्नर ऑफ द योर सिटी कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन
ऑफ योर लोकेलिटी एंड द मॉस्किटो मीन्स केज बाई दिस, इसके बारे में आपको लिखना है। या आप एज ए मेम्बर ऑफ द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड राइट ए रिपोर्ट ऑन द लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन इन एंड अराउंड योर टाउन। तो इन दोनों में से आपको कोई एक चूज करके इस पर 150 शब्दों में आपको ये लिखना है। तो ये दोस्तों इतना जो पेपर था, ये पेपर हो गया अपना आर एस, मेरे का चौथा पेपर 2016 में जो आया था वह हमने कंप्लीट कर लिया है। सारे क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, आंसर आप इसका आपको स्विम करना होगा, क्योंकि मेरा इतना लेवल नहीं है कि मैं आर एस का पेपर हल कर सकूँ। मैं प्रयास कर सकता हूँ लेकिन सारे सही हूँ ये सही नहीं है, इसलिए मैं गलत जानकारी आपको नहीं देना चाहता। अब दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें, सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल सब्सक्राइब के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उसके पास जो बेल आइकॉन घंटे का सा बना हुआ है, उस घंटे के निशान को जरूर दबा दें, जिससे हमारे आगे आने वाले सभी आरएस के वीडियो या आरएस से संबंधित जितने भी पुराने पेपर हैं सबकी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। धन्यवाद दोस्तों।